एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप बनाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक से। उसके लिए मैंने लिया है ये फ्लैनल क्लॉथ। ये फैब्रिक विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड इफ यू डू सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी इस फैब्रिक की विथ 44 इंचेस है और मैंने इसे विथ वाइज ही 4 फोल्ड किया है। फैब्रिक को अच्छे से अरेंज करने के बाद हम अपनी कोई फिटिंग टॉप इसके ऊपर रख देंगे मेजरमेंट्स के लिए। मेजरमेंट के लिए मैंने एक कॉटन टॉप लिया है। टॉप की लेंथ मुझे थोड़ी छोटी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने नीचे से मार्जिन का कपड़ा नहीं रखा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे लंबा छोटा रखिएगा। अब सब तरफ 1/2 इंच का गैप देते हुए हम मार्जिन लगा लेंगे। फिर इसे कट कर लेंगे। आगे का पोर्शन अब मैं कट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने 5 इंच डीप नेक लिया है और इसे मैं हल्का वी शेप दूंगी। फ्रंट आर्म होल्स भी हम 1/2 इंच डीप मार्क कर लेते हैं। अब जो बाकी बचा फैब्रिक है, इससे हम स्लीव्स निकालेंगे। ये मेरी फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड। मैंने अपनी टॉप की स्लीव्स इस पे प्लेस कर दी है। ऊपर से जो मैंने फैब्रिक छोड़ा है, उससे हम शोल्डर्स पे प्लीट्स बनाएंगे, इससे कि वो पफी लुक आए। अब जो स्लीव्स का एच पार्ट है, इसके लिए हम पट्टी काटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की लेंथ मेजर कर लेते हैं। देखिए मेरे केस में ये 17 इंच लेंथ है, तो मैंने अपने हैंड से 17 इंच लेंथ से रिस्ट मेजर किया, तो वो है 9 इंच। और यहाँ मैं 10 इंच की पट्टी काटूंगी 1 इंच मार्जिन के लिए। ये पट्टी हम स्लीव्स में इस तरीके से लगाएंगे। अब मैं दोनों स्लीव्स की फ्रंट पार्ट की भी 1/2 इंच डीप कट कर लेती हूँ। अब हमारे पास बस ये छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, इनसे हम बायस स्ट्रिप काट लेंगे जो कि हमें नेक पे लगाना है। यहां मैं आपको दिखा रही हूं स्ट्रिप्स जॉइन कैसे करते हैं। ऐसे हम सारी पट्टियां जॉइन करेंगे तो हमें एक लंबी स्ट्रिप मिल जाएगी। सबसे पहले हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने अपनी टॉप की जो गुड साइड है उसे अंदर कर दिया है। शोल्डर्स मैंने अटैच कर ली है। अब मैं नेक पे ये स्ट्रिप ऐसे लगाऊंगी। उल्टी स्ट्रिप लगाकर हम इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे।
स्लीव्स अटैच करने के लिए हम दोनों आर्म होल्स को मेजर करेंगे एंड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर से बस उसमें हम गैदर्स बनाकर उसे शोल्डर्स में अटैच कर लेंगे। लेट मी शो दिस अगेन टू यू। ये मैंने नेक बना ली है और स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है। अब हम स्लीव्स की एजेस बनाएंगे। तो रिस्ट के हिसाब से जो हमने पट्टी काटी थी अब हम वो रखेंगे। अब इस पट्टी के हिसाब से हमें एजेस को अरेंज करना है, उसके लिए हम ये गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स बनाने के लिए मैंने एक लंबी स्टिच लगाई है, इसे मैं पुल करूंगी। दोनों तरफ से इसे पुल करने के बाद हम ये पट्टी इसे उल्टी तरफ रखकर एक लंबी स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए मैंने स्टिच लगा ली है। अब बस सिंपली हम इसे पीछे से डबल फोल्ड कर देंगे। सामने से इसका लुक एक बॉर्डर की तरह आता है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। अब बस हम साइड स्टिचेस लगा लेंगे और टॉप के एंड को भी डबल फोल्ड कर देंगे एंड आवर टॉप इज रेडी। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।